सिंध गवर्नर कामरान टिशोरी जो आईटी का कोर्स करवा रहे। आज के गेस्ट है हमारे अम्मा, तो हम इनसे आज सारी मालूमात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही जबरदस्त पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे सिंध गवर्नर कामरान टिशोरी जो आईटी का कोर्स करवा रहे हैं, या अपने यूथ के लिए ये कोई भला चाहते हैं। आज के गेस्ट है हमारे अम्मा, तो हम इनसे आज सारी मालूमात लेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो को एंड तक वॉच करना आप लोग, आपको अम्मा सारे टेस्ट के बारे में बताएगा कि इसमें क्या क्या टेस्ट लिए जा रहे हैं और उसके क्या बेनिफिट होंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं आज आपसे एक क्वेश्चन करने वाला हूं, जो हमारे सिंध गवर्नर कामरान टिशोरी साहब जो कोर्स करवा रहे हैं उनके बारे में आपको माशाल्लाह ज्यादा अच्छे से पता है, आपने भी टेस्ट दिया है, तो आप इसके हवाले से मेरी ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे कि ये टेस्ट आगे जाकर क्या बेनिफिट देगा हमारी यूथ को? आपने जो है ना बोला है कि मुझे ज्यादा पता होगा, तो मुझे क्या, मैं क्या असिस्टेंट वगैरह तो नहीं है उनका, भाई ये कि नॉलेज वगैरह है मुझे काफी। जो ये टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं, असल में ये जो टेस्ट करा रहे हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यूथ के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम है। पाकिस्तान जिस तरीके से डिफॉल्ट में जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि जो हमारी यूथ है पढ़ेगी AI, Web3, मेटावर्स जो बाहर दुनिया में चल रहे हैं, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, पाकिस्तान के बाहर जो चल रहा है वो जब पाकिस्तान के अंदर आएगा तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खुशहाली भी आएगी और तरक्की भी करेगा, क्योंकि AI के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हुआ जा रहा है हमारे अपना, जैसे बाहर मुल्कों में हो रहा है, फॉरेंस में हो रहा है, तो पाकिस्तान में भी आ जाएगा तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, सही। तो अम्माद अभी जो इनका जो टेस्ट वगैरह हो रहा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा, अभी मैंने रिसेंटली व्लॉग भी अपलोड किया था, तो काफ़ी ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि शेबी भाई क्या चीज़ लेकर जाना है उधर, किस चीज़ की नीड होगी और क्या क्या ज़रूरियात हैं उधर, कैसे टेस्ट होगा कैसे नहीं होगा, तो इसके बारे में आप कुछ बताएं। असल में ये जो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं ना, ये होते हैं OMR शीट के ऊपर। OMR की एक मशीन होती है जो सारे स्कैन करती है। इसमें होता है कि जो एक डब्बे बने हुए होते हैं MCQs में, डब्बे बने हुए होते हैं नंबर्स के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, रोल नंबर पे होता है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स टेस्ट वगैरह दे कर आए, हम भी दे कर आए, आप भी दे कर आए, और भी बहुत सारे स्टूडेंट दे कर आए, तो उनको ज़्यादा पता होगा उन लोगों को भी। तो उसके अंदर डब्बे होते हैं, उनको फिल करना पड़ता है, और फिर वो जो है जब हमारा टेस्ट हो जाता है, वो जाहिर सी बात है चेक करने के लिए वो मशीन है एक ऑटोमेशन की, उसके अंदर जब पेपर जाते हैं तो ऑटोमेटिक अलग अलग कर देती, बता देती है कि ये सही है, करेक्ट है, या इनकरेक्ट है, फॉल्स है, ट्रू है, तो वो मशीन ऑटोमेटिक कर देती है, उसके ऊपर टेस्ट होता है। और टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बस ये है कि डिपेंड करता है हर बंदे के ऊपर, हर बंदे की अपनी एक सलाहियत होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे अभी IQ टेस्ट भी है ना, उसके अंदर IQ टेस्ट रिलेटेड टू मैथ है, समझ लें मैथ के साथ IQ टेस्ट लिया हुआ है, तो जिसकी मैथ अच्छी होगी वो पास भी कर सकता है, और जिसकी मैथ अच्छी नहीं होगी तो वो बुरा इंसान नहीं है, बस अपनी एक सलाहियत है हर बंदे की, हर स्टूडेंट की अपनी एक सलाहियत होती है, वो मैथ में अच्छा नहीं है किसी और सब्जेक्ट में अच्छा होगा, तो ऐसी बात है। मैं मैथ में अच्छा नहीं हूँ लेकिन मैं प्रोग्रामिंग अंदर घुस के कर लेता हूँ, तो हर बंदे की अपनी एक सलाहियत होती है, वही वाली बात है। अच्छा अच्छा तो अम्माद इसमें आप ये बताएं कि जो बच्चे टेस्ट देने जाएं, जैसे हम लोग टेस्ट देने गए, तो इसमें किस चीज़ की वहाँ पर नीड होगी, क्या चीज़ हमें चाहिए होगा, और किस तरह से उसकी एंट्री है, कहाँ पर बिठाया जाएगा, और कब किस टाइम उसका टेस्ट स्टार्ट होता है, किस टाइम टेस्ट ख़त्म होता है, इस हवाले से आप हमें कुछ बताएं। बड़ा अच्छा सवाल है, जिन लोगों को अभी टेस्ट देना है उनके लिए बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है टेस्ट देने के लिए आपको टेस्ट देने वाली जगह पर जाना पड़ेगा, गवर्नर हाउस पर, तो गवर्नर हाउस पड़ता है सदर में, तो उसका एड्रेस जो है आप दे दिएगा स्क्रीन पर तो लोग समझ जाएंगे। तो वहाँ उस एड्रेस पे जाने के बाद फिर आपको जो है एक बॉल पेन लेकर जाना पड़ता है, कट मार्कर भी उसमें लिखा हुआ है ईमेल में, ईमेल जब आती है तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती है, तो कट मार्कर भी लिखा होता है, उसमें ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ब्लैक बॉल पेन ले जाएँ। अच्छा, ब्लैक बॉल पेन और पॉइंटर में फ़र्क है, लोग क्या करते हैं पॉइंटर ले जाते हैं ब्लैक। अब पॉइंटर क्यों नहीं एक्सेप्ट होता है, क्योंकि वो मशीन जो है सिर्फ और सिर्फ बॉल पेन को ही एक्सेप्ट करती है। पॉइंटर लेकर गए थे तो आपने गलत किया ना, फिर लिया था, वो लिया था मेरे ख्याल से। हाँ हाँ।
हाँ सही है था। असल में बॉल पेन की इंक और पॉइंटर की इंक में फर्क है। बहुत फर्क है हाँ ये तो तो। वो मशीन जो है ना बॉल पेन की इंक को एक्सेप्ट करती है, तो ये जरूर ध्यान में रखें। लोग बोलते हैं अभी क्या फर्क है, ले जाते हैं तो भाई खरीद लो, 7-10 रुपए का है मेरे ख्याल से, तो वही सही रहेगा, बेस्ट रहेगा। फिर उसके अलावा जो है आप एडमिट कार्ड निकालें अपना, प्रिंट करवाएं, अगर नहीं करवाया हो तो कामरान टिशोरी की governorsin.com है ना वेबसाइट, तो उसके ऊपर जाएं और अपना एडमिट कार्ड निकालें। उसके अलावा लोकेशन पर जाएं, फिर वो जो है उन्होंने अपने गवर्नर हाउस में सीटें बिछाई हुई हैं, तो सीटों पे अगर बैठना पड़ता है वहाँ पर, माशाल्लाह से जो है हेल्प करते हैं वो लोग, सैलानी वाले, सैलानी वेलफेयर वाले भी हैं उनके साथ, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, पानी वगैरह देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इतनी ज़्यादा तादाद में लोग आए हुए होते हैं और पानी की बोतलें वो बांट रहे होते हैं, बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह से। तो बस यही है, और बाकी टेस्ट जो है आपकी सलाहियत के ऊपर है। अगर देखो पास भी नहीं होते हो ना और आप कोर्स नहीं अटेंड कर पाते हो तो कोई इतनी अफसोस वाली बात नहीं है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि हमारा पीएच स्किल्स है, यहाँ पर आके आप सीख सकते हैं। आप phskills.com वाली वेबसाइट पे हैं, आप अपना जो है घर पे अपना टीचर हायर कर सकते हैं कंप्यूटर सीखने के लिए, या आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, अफोर्डेबल जो है फीस वगैरह है वहाँ पर, तो आप लोग बहुत बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरा ही नहीं और आज़ाद चाय वाले का भी है, तो आप लोग को जो कंफर्टेबल जहाँ पर अफोर्डेबल लगे वहाँ से आप लोग सीख सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। शुएब भाई भी हमारे को फाउंडर हैं और टीचर हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग के, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग ये आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, माँ तो मैं जब टेस्ट देने गया था आप भी मेरे साथ ही गए थे, इन लोगों ने व्लॉग वगैरह देखा, उस व्लॉग में आप नहीं आए तो वो तो अलग मैटर था, मैं इनको बताना नहीं चाहूंगा। तो मैंने वहां पर ये जब वो लोग स्पीच कर रहे थे, मुझे याद नहीं है कोई डॉक्टर थे, तो उन्होंने यही कहा था कि अगर कोई बच्चा टेस्ट में पास नहीं होता है तो उसके लिए कोई ना कोई इंतजाम किया जाएगा, लेकिन उसको कोर्स जरूर करवाया जाएगा जिस बच्चे ने फॉर्म फिल किया है। टोटल फॉर्म 10 लाख बच्चों ने फिल किया, 1 मिलियन है, तो उन्होंने कहा कि इसमें टेस्ट चेक किया जाएगा, इसमें जो पास होगा उसको तो सिंध गवर्नर बुलाकर तो तैयारी करवाई जाएगी, सारी सारे कोचिंग वगैरह वहीं पे होंगे, और जो बच्चे अगर टेस्ट पास नहीं कर पाए तो उनके लिए भी कोई इंतजाम किया जाएगा, तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो अम्मा ये जो अब जो जैसे अगर कोई बच्चे टेस्ट पास कर लेते, मैं दिया अगर मैं टेस्ट पास कर लेता हूँ तो इसके क्या आगे प्रोसेस वगैरह चलेंगे? आपने तो माशाल्लाह उनके वेबसाइट वगैरह में सारी चीजें देखी है, तो आप इस हवाले से बताएं। असल में जब आप टेस्ट जो है एंट्री टेस्ट पास कर लेंगे तो उसमें 3 महीने का पहले आपको, आप लोगों को कोर्स कराएंगे विच इज़ जावा स्क्रिप्ट और एक और भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो ज़रूरी होती है AI मेटावर्स या Web3 में, तो वो आप लोगों को सबसे पहले सिखाए जाएंगे ताकि आपकी बेसिक जो बेस है ना वो आपका बन जाए। उसके बाद जो है फिर आप लोग, वो लोग डिसाइड करेंगे आप लोग की सलाहियत को देखते हुए कि आपको Web3 में डालना है या मेटावर्स में डालना है या आपको AI में डालना है। अच्छा बहुत से लोगों को नहीं पता है कि मेटावर्स क्या है, Web3 क्या है या फिर AI क्या है। देखिए AI जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मुराद अगर नहीं पता किसी को, तो वो जैसे कि हमारा दिमाग है, हम लोग अपनी सोच से काम करते हैं, हम लोग अपनी सोच से जवाब देते हैं, तो इसी तरीके का एक आर्टिफिशियल दिमाग बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो अपनी सोच से काम लेता है, अपनी सोच से जवाब देता है। अच्छा हम इंसानों में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बस ये फ़र्क है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इल्म है, पूरी दुनिया का इल्म है, वो रोज़मर्रा में जो है ना अपनी इल्म को बढ़ाता रहता बढ़ाता रहता है। जाहिर सी बात है मशीन है वो, इंसान तो नहीं है, अब इंसान के पास इतनी सलाहियत नहीं है इतना ज़्यादा स्टोर करने की अपना डेटा, तो वो मशीन है वो कर सकती है, वो आगे चल के अपने ही रोबोट्स बनाएगी, खुद ब खुद बनाएगी, तो वो बहुत लंबी कहानी है, उसको तो अभी छोड़ ही दें इस टॉपिक को, तो ज़्यादा अच्छा है वरना वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। फिर उसके बाद है Web3। Web3 क्या होता है? वेब एक होता है Web 2.0 और एक है अभी जो आया है वो है Web 3.0। Web 2.0 जो है ना वो है जस्ट लाइक blogger.com, आप लोगों ने शायद देखा होगा, blogger.com पे हम लोग सिर्फ पोस्ट करते हैं जैसे आर्टिकल वगैरह हो गए, और उस पर हम लोग लॉगिन किससे करते हैं, गूगल से कर लेते हैं, ईमेल से कर लेते हैं। उसके बाद है Web 3.0 जो अभी आई है, उसमें क्या है, उसके अंदर ब्लॉकचेन प्रोसेस है। ब्लॉकचेन प्रोसेस क्या होता है, उसके अंदर कोई भी हमारा जो है डेटा स्टोर नहीं होता है,
उसके अंदर चेन बाय चेन होता है, उसको हम ट्रेस नहीं कर सकते इतनी आसानी से। वो बड़ी कंपनीज ही ट्रेस कर पाती हैं, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है। उस पर क्या होता है, वो लोग वॉलेट वगैरह का चक्कर होता है, जैसे अभी बिटकॉइन वगैरह चल रहा है, जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह जिस वेबसाइट्स के ऊपर चल रही हैं वो वेब 3.0 वेबसाइट्स ही हैं। तो ये एक वेब 3.0 है। उसके बाद मेटावर्स है, मेटावर्स जैसे फेसबुक अभी ने लॉन्च किया है, फेसबुक ने, वो मेटावर्स है, जैसे हमारी वर्चुअल एक दुनिया है। मतलब अभी तो हम लोग ये फिजिकल दुनिया में ना चल फिर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, तुम्हें चमाट मार सकता हूँ मैं, तो मेटावर्स में ऐसा नहीं है, हम छू नहीं सकते ना चल फिर सकते। उसके अंदर हमें, हम जो ये ज़मीनें बाय करते हैं, वो आगे चल के उसका स्कोप ये है कि समझ लें हम उस दुनिया को सिर्फ देखेंगे, देख सकते हैं, छू नहीं सकते। अब उसके अंदर कुछ ऐसे गैजेट्स आएंगे कि हम उस दुनिया को, जैसे कोई मिसाल के तौर पे जैसे माइक पकड़ा हूँ, इस टाइप का एक गैजेट आएगा, इसको मैं पकड़ा रहूँगा, और जब मैं उस दुनिया के अंदर होऊँगा, एक मास्क टाइप का लगता है, उसको क्या बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो जो उसको पकड़ के हम लोग रखते हैं, और फिर जब उस दुनिया के अंदर हम लोग इंटर हो जाते हैं वर्चुअल, फिर अगर हम कोई चीज़ को पकड़ते हैं तो हमें सिर्फ पता चलता है या देख सकते हैं कि हमने इस चीज़ को पकड़ा, महसूस नहीं होता। तो वो वर्चुअल एक रियलिटी है, तो वो अलग चीज़ है वो। तो ये चीज़ें होती हैं, तो अगर आप लोग ये सीख लेंगे, अभी आप, मैंने जैसे बोला है, मैंने बताया है, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कितनी ऊंची चीज़ें हैं। तो अगर इसको आप लोग सीख लेंगे तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि कितना कमा सकते हैं। हाँ, कामरान डिसोरी ने $5,000 आई थिंक बताया ना, हाँ, तो वो तो बहुत कम बताएं, मेरा जहाँ तक अंदाज़ है ये बहुत ज़्यादा कम बताया उसने। इससे आगे चल के इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, AI का, Web3 का, मेटावर्स, मेटावर्स का जो है ना 50-50% चांसेस हैं, क्योंकि अभी जो है ना उसका इतना अवेयरनेस वगैरह नहीं हुई है, और ना इसका मुझे कोई स्कोप नज़र आ रहा है मेरा जहाँ तक ख्याल है। तो AI या Web 3.0 जो है ना, इनके स्कोप तो आई हैं, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकते और ना होंगे ख़त्म। अच्छा, जैसे कि आपको हमाद ने सारी चीज़ें बताई, और यार बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब हमारे कोई गवर्नर, जैसे अभी हमारे सिंध गवर्नर कामरान टिसोरी, जो इतने बड़े कोर्सेज का हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में कोर्स करवा रहे हैं, उनका तो सबसे पहले दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हमाद भाई कि वो ये सब कोर्स करवा रहे हैं। देखें, सबको पता था कि AI वो करवा रहे हैं, ठीक है, Web 3.0 करवा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि इसका आगे जाके स्कोप क्या है। तो ये पॉडकास्ट करने का मतलब यही था कि हमाद आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताए कि इसमें क्या क्या आगे जाके स्कोप है, क्या क्या इसकी बेनिफिट है। तो हमाद ने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई, और कामरान टिसोरी का सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी हमारा तो कुछ पता नहीं है कि हमें हमारा टेस्ट पास होगा या नहीं होगा। अगर पास नहीं होते तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हमारे सिंध गवर्नर कामरान टिसोरी ने दूसरा रास्ता भी निकाला है कि अगर कोई अपना टेस्ट पास नहीं करता है तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम किए जाएंगे। और मैं आप लोगों को दूसरी चीज़ बताते चलूँ कि अभी जो हमारे जो सिंध गवर्नर में हो रहा है वो AI हो रहा है, Web 3.0 हो रहा है, और एक और कौन सा मत, AI और मेटावर्स, मेटावर्स हो रहा है तीसरा। तो अगर कोई इनसे हटकर अगर कोई जैसे YouTube के लिए अपना कोई चैनल स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग लाजमी, आपको वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, तो ये हम PH स्किल्स हमाद के जो phskills.com है वेबसाइट गूगल में, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ होगी। तो मैं हमाद से पूछ लेता हूँ, हमाद ही आप लोगों को सारी चीज़ें बता देगा कि आप लोग अपना YouTube स्टार्ट करने के लिए क्या चीज़ कर सकते हैं, आप लोगों को क्या कोर्स की नीड होगी। तो हमाद आप प्लीज़ बताएं इन लोगों को। असल में YouTube स्टार्ट करने के लिए तो हमने एक सेपरेट कोर्स रखा हुआ है, YouTube का पूरा एक अलहदा से कोर्स होगा। उसके अंदर हम बताएंगे कि किस तरीके से, सबसे पहले तो आपको जो है अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, उसके बाद हम बताएंगे कि किस तरीके से आपको वीडियो एडिट करनी है, उसके बाद बताएंगे वीडियो अपलोड कैसे करनी है। ये हो गई 3 बेसिक चीज़ें। उसके बाद हम लोग ये सिखाएंगे कि किस तरीके से आपको वीडियो बनानी है जो वायरल जाए, या जो YouTube जो है वो इंडेक्स कर ले, ताकि अगर वीडियो डालते साथ भी रैंक नहीं होती तो हल्के हल्के होने लग जाती है। जैसे कि हम लोग मिसाल के तौर पे अपनी फिल्म को देख लें तो हल्के हल्के वो भी ग्रो कर रही है। इतनी जल्दी कोई भी फेमस नहीं होता है, वैसे तो लक की बात होती है और अपनी मेहनत की बात होती है। मेहनत आप अपनी 100% रखें, और लक तो फिर लक है, वो तो कभी भी लग जाएगा।
उसके अलावा हम लोग और भी कोर्सेज करा रहे हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सेपरेट कोर्स है जिसके अंदर हम लोग फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कैनवा सिखाएंगे। उसके अलावा जो हम लोग इसके अंदर कलर थ्योरी समझाएंगे आपको कि किस टाइप के कलर्स होते हैं या कैसे कलर्स बनाने चाहिए, फलाना ढिमकाना। हम आपको टाइपोग्राफी भी सिखाएंगे, टाइपोग्राफी वो जो फॉन्ट स्टाइलिंग वगैरह होती है ना, वो सब कुछ आपको टाइपोग्राफी सिखाएंगे। उसके अलावा हमारा CIT का कोर्स है जो सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, जिसके अंदर हम आपको ऑफिस के सारे वर्क सिखाते हैं। उसके अलावा वीडियो एडिटिंग है जिसमें प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, फिल्मोरा सिखाएंगे और वीडियो की सारी थ्योरी और जो है वीडियोग्राफी सिखाएंगे। उसके अलावा हमारे पास फ्रीलांसिंग का कोर्स है कि आप लोग किस तरीके से अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए घर पे बैठ के पैसे कमा सकते हैं। जो पहले पॉडकास्ट करी थी उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे, तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि इस बारे में बताएं कि किस तरीके से अर्निंग करनी है, तो वो मैंने आपको बता दिया। आप कोर्स ज्वाइन कर लें तो इंशाल्लाह जल्द फिर आप सीख जाएंगे और कमाएंगे। जैसे कि अम्माद ने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं, अगर आप लोगों को होम टीचर ऑर्डर करना है या ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आप लोग दिए हुए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो वेबसाइट पर भी जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये पॉडकास्ट करने का मकसद ही यही था कि आप लोगों को इन सब सारी चीज़ों के बारे में सिखाया जाए। एक बार फिर मैं सिंह गवर्नर कामरान किशोरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी यूथ के लिए इतना अच्छा सोचा और वो काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको कामयाबी दे और हम सबको भी कामयाबी दे। दुआओं में याद रखें आप मुझे और अम्माद को। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।